हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चेतना सिंह। जैसे कि आपको मेरा लुक देख के पता चल रहा होगा कि आज मैं कुछ इंडियन साड़ी लुक दे रही हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि जो मेरा ये लुक है वो आप कैसे रेडी कर सकते हो किसी भी इंडियन फेस्टिवल पे। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं कि आप ये लुक कैसे रेडी कर सकते हो। अभी मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे खादी नेचुरल वाला एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी एज ए प्राइमर। आपको इस टाइप से लेना है और अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। एलोवेरा जेल और कोई भी मार्केट का प्राइमर जो होता है वो मेकअप बेस के लिए बहुत परफेक्ट होता है, इसलिए आपको ये पार्ट जो है कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ये हमारे स्किन को जो है फ्लॉलेस बनाता है किसी भी मेकअप के लिए। ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पर। मेकअप करने से पहले लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पे लॉरियल वाला इनफैलेबल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरा शेड जो है 150 है। मैं इस टाइप से बैक हैंड पर फाउंडेशन लूँगी और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैप करके सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे लॉरियल का मैट मैजिक ये पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। मैंने फाउंडेशन जो है वो नेक पे भी अप्लाई किया था, इसलिए मैं नेक पे भी ये पाउडर यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैंने अपने फेस पर पाउडर अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपनी आईज पर आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई हार्ट पैलेट। इसमें जो मेरा शेड है वो रोज़ गोल्ड है। यहाँ पे मैं जो है ये ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज की क्रीज को डिफाइन करने के लिए। इस टाइप से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है, ज़्यादा इनर कॉर्नर पर नहीं जाना है। सेम मैं अपनी लेफ्ट आई पर भी अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ताकि कोई हार्श लाइन जो है वो नहीं दिखे, नहीं तो आई शेडो अच्छे से नहीं दिख पाएगा। इस तरीके से मैंने जो है अपनी दोनों आई पर इसे अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये शिमर पिंक कलर, क्योंकि हम फेस्टिवल लुक रेडी कर रहे हैं तो आईज़ को थोड़ा फंक्शनल लुक देना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर कट करना है। अब मैं यहाँ पर ये शिमर पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम फेस्टिवल लुक रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको पिक करूँगी और अपनी आईज पर इसको पैट करते हुए डिपॉजिट कर लूँगी। सेम तरीके से अपनी लेफ्ट आई पर भी डिपॉजिट कर लूँगी। अगेन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आईज की क्रीज पर रखते हुए मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ये शिमर गोल्ड कलर पिक करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से और अपनी आईज पर अगेन डिपॉजिट कर लूँगी लेफ्ट और राइट दोनों आईज पर जो है मैं इसको डिपॉजिट कर लूँगी। मैं आज येलो कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा आईज को येलो लुक देना ज़रूरी है और वैसे भी ये फेस्टिवल लुक है तो थोड़ा अच्छा दिखना ज़रूरी है आईज को। अगेन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं आईज की क्रीज पर रखकर इसको ब्लेंड कर लूँगी।
ये देख सकते हैं मेरी आईज पर, आई शेडो मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मेबलिन का काजल यूज कर रही हूँ। आज मैं बोल्ड काजल अप्लाई करूंगी आईज को बड़ा दिखाने के लिए। इस तरीके से आपको बोल्ड काजल अप्लाई करना है। आप चाहें तो स्मजर ब्रश भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा काजल अप्लाई करने के बाद उसको स्मज करके बोल्ड बना सकते हैं, लेकिन मुझे डार्क बोल्ड आईज पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर कोई स्मजर ब्रश यूज नहीं करूंगी। ये मैंने अपनी आईज पर काजल अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर और अपनी आईज पर आईलाइनर अप्लाई करूंगी। आपको इनर कॉर्नर से लेना है आईलाइनर को। कोई भी इनर कॉर्नर से कोई गैप नहीं रखना है। आपको जो आपने काजल अप्लाई किया है और जो आप लाइनर अप्लाई कर रहे हो, दोनों की लाइन को हल्का सा जॉइंट तक रखना है। जो इनर भी होता है यहाँ तक आपको जॉइंट पर रखना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा साउथ इंडियन लुक का टच देंगे आज। तो यहाँ पे जो है और हल्का सा आपको एक विंग क्रिएट करना है, बहुत लाइट विंग। आपको कोई भी बड़ा विंग क्रिएट नहीं करना है जैसे कि नॉर्मल कैजुअल लुक के लिए होता है। आपको हल्का सा विंग क्रिएट करना है ताकि आपकी आईज का लुक जो है थोड़ा अच्छा दिखे। इस तरीके से आपको हल्का सा विंग जो है, हल्का सा बहुत लाइट विंग आपको बनाना है। और मैंने जो है अपनी दोनों आईज पर जो है आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको आईलाइनर अप्लाई करना है। मैं मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन लेस सेंसेशनल मस्कारा। ये हमारी आई के वॉल्यूम को बहुत अच्छा इंक्रीज करता है, आईलैशेस के वॉल्यूम को बहुत अच्छा इंक्रीज करता है। आपको इस तरीके से जो है मस्कारा अप्लाई करना है। ये मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है अपनी आईज पर। अब मैं आईब्रो पेंसिल के लिए यहाँ पे मेबलिन की ये ड्यू शॉप जो पेंसिल है वो यूज़ कर रही हूँ। ये जो पेंसिल है इसमें एक साइड पर ये इस तरह का स्मजर आता है, दूसरी साइड पर जो है वो पेंसिल आती है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसकी जो मतलब इसका जो स्मजर है वो बहुत अच्छे से आप जब अप्लाई कर लेते हो अपनी आईब्रो पर और उसके बाद में स्मज करते हो तो बहुत अच्छा लुक देती है। जो भी मेरे एक्स्ट्रा गैप हैं उनको मैं फिल कर लूँगी इस पेंसिल की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से जो है इसको इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रो को सेट कर लिया है। अब मैं अपनी फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन ड्यूअल स्टिक, जिसमें एक तरफ जो है हाइलाइटर आता है और दूसरी तरफ जो है कॉन्टोर आता है। आप देख सकते हैं इसको अप्लाई करके मैं अपनी फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने अपने फेस के अंडर आई एरिया पर ट्रायंगल बना लिया है और ये कॉन्टोरिंग स्टिक की हेल्प से मैंने यहाँ पर जॉ लाइन पर और इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से या आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जिससे भी आप चाहो आप उससे क्या कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो अपने फेस की कॉन्टोरिंग और हाईलाइट कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर, उसकी हेल्प से मैं अपनी फेस की कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग कर लूँगी। याद रहे आप लोगों को सबसे पहले हाइलाइटर पार्ट को ही सेट करना है डैप करके। अगर पहले आप कॉन्टोर स्टिक के पार्ट को डैप करके सेट करोगे तो ब्यूटी ब्लेंडर जो है थोड़ा डार्क हो जाएगा, फिर आप हाइलाइटिंग करोगे तो वो जो है डार्क तरीके से यहाँ पे दिखेगा। इसलिए आपको पहले हाइलाइटर पार्ट को ही जो है डैप करके सेट कर लेना है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे डैप करना है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजीली डैब हो रहा है ये। आपके आपको फेस को इस तरीके से बनाना है और ब्यूटी ब्लेंडर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर ब्लेंड करना है। ये देखिए मैंने अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर ली है और अपने फेस के अंडर आई एरिया को, फॉरहेड को भी हाईलाइट कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैं ब्लश के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्लश, और इस ब्रश की हेल्प से जो मैं अपने फेस पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने अपने फेस पे जो है ब्लश अप्लाई कर लिया है। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर स्मच मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक, इसका शेड जो है 07 है मेरा। मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने लिप्स पर। आपको ये लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो थोड़ी क्रैकी दिखेगी लिपस्टिक। ये देखिए मैंने अपने लिप्स पर लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। अब मैं अपने फाइनल लुक के लिए एक बन बनाऊंगी। आपको बन बनाने के लिए जो है आपके बाल को नॉर्मल इस तरह से लेके बन नहीं बनाना है, आपको क्या करना है इस टाइप से लेना है अपने बालों को इस तरीके से, और यहाँ पर एक पिन लगा देना है। इससे क्या थोड़ा अच्छा लुक देगा, नॉर्मल बन जो है वो थोड़ा मतलब ऐसा ऑयली हेयर लगते हैं, इसलिए आपके इस टाइप से आपको अपने हेयर को लेना है और पिन से स्टिक कर देना है। अगेन पीछे वाले हेयर को भी लेना है इस टाइप से, पीछे आपको कोई पिन नहीं लगानी है। फिर अपने हेयर को इस टाइप से लेते हुए आपको पॉनी बनानी है इस तरीके से। अगर आपके बीच में हेयर जो है कहीं छूट जाते हैं तो भी आप उनको ले सकते हो। इस तरीके से पॉनी बनाने के बाद में आपको एक रबड़ बैंड लेना है और अपने हेयर को इस तरीके से रबड़ बैंड लगा देना है, एक बन बन जाएगा पीछे की साइड में, आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में आपको गजरा लगाना है। आप गजरा लगाने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर पिन लगा सकते हो, इस तरह की ब्लैक पिन, ताकि गजरा जो है आप स्टिक करते हो तो वो कहीं जाए नहीं, मतलब नॉर्मल अगर आप लगाओगे तो वो हिल जाता है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। आप इस लुक को किसी भी वेडिंग फंक्शन के लिए या किसी भी इंडियन फेस्टिवल के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। सो गाइज ये था मेरा इंडियन फेस्टिवल मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। सो और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।